गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये एक प्रोग्राम नहीं है, शायद ये आपकी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप मेरे सेशन को किस ढंग से लेते हैं। सबसे पहले आप सबके पास पेन कॉपी है, राइट? आप फर्स्ट सेमेस्टर के सभी लोग। सबसे ज्यादा मुझे मजा जब आता है जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर या 9th-10th के बच्चों के साथ सेमिनार कंडक्ट करता हूँ। क्यों, वो आप समझ जाओगे। आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए। सबसे पहले अभी कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर मंथ की क्वालिटी क्या होती है बताइए, कि न्यू ईयर आने वाला होता है ना, और न्यू ईयर के साथ हम लोग बहुत सारी कस्में खाते हैं। तो कई सालों से खा रहे हो आप वो कस्में, याद करो आप जरा कितनी खा चुके हो। तो आप लोगों ने पेपर पेन निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहला काम आपको जो करना है, आप लोग लिखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, कितने साल में बनना चाहते हो, और उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाना चाहते हो। मैं एटलीस्ट 5 से 10 लोगों की कॉपी अभी रीड करूंगा, जल्दी डेट डाल के। आज का दिन आप जीवन भर कभी नहीं भूलोगे, जल्दी करिए। नाच पाट क्या क्या आप देख रहे हो अपने आप को, और अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हो, एक ब्लैंक पेज पर लिखिएगा, बिल्कुल नए पेज पे। इस पेज को फ्रेम करवा के घर पे लगवाना है, इसलिए बहुत अच्छे से लिखिएगा। नाच पाट कोई गेट पास। जो बेसिक प्रॉब्लम लगी कि कई लोग तो स्टार्ट ही नहीं कर पाए कि लिखना क्या है, आप सोचिए कि आप क्यों बीई कर रहे हैं, आप क्यों यहां पर बैठे हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर मैं आपको बताता हूं, मैं कैट के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूं, कैंपस के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूं, हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ाया है। जब मैं कैंपस के स्टूडेंट की क्लास लेता हूं 4th ईयर में, कंपनी आने वाली होती है, तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब एडमिशन, उनको बिल्कुल नहीं बनता एप्टीट्यूड, बिल्कुल नहीं बनता। मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि ये कंपनी आने वाली है, ये एप्टीट्यूड का टेस्ट लेती है, बात कब पता थी? सर पता तो जब भी थी जब हमने एडमिशन लिया था बीई में, राइट? बात समझ में आ रही? पर पढ़ाई नहीं करी 3.5 ईयर। 3.5 ईयर बिल्कुल लाइफ के वैसे ही निकाल दिए, शिवानी पढ़ पढ़ के बीई कर ली, नॉलेज के नाम पे 0। जब सर ने मुझे बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, मुझे बहुत खुशी हुई। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं आज आपसे जो बोलूंगा, और आप में से जो लोग चाहेंगे कि वो चेंज लाना है, आप 4 ईयर बाद वो होगे जो आपने अभी तक नहीं सोचा होगा। हो सकता है किसी IIT से भी अच्छे हो जाओ, बट उसके लिए थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आज जो डे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको आपने सुना, आपको बताया मैथ्स डे है, जिस नाम पे मैथ्स डे बनाया जा रहा है रामानुजन जी के नाम पर, वो 12th में फेल थे, 11th में फेल थे, पता है आपको? उसके बाद हम उनके डे को बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक क्वालिटी थी। मैं बोलता हूं जीवन में सब कुछ नहीं आना चाहिए, पर कुछ एक ऐसा आना चाहिए कि उसके अलावा कुछ ना आए। आप जब लिख रहे थे तो I becomes engineer, I becomes IAS, और साथ में गेट की प्रिपरेशन भी कर लूंगा, कैट की, ये क्या है? अगर 6 चीजें सोचोगे तो कुछ भी नहीं करोगे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलता, हॉकी भी खेलता, तो हम उसका नाम ही नहीं जानते। एक सबसे पहला तो एक लाइफ में होना चाहिए कि टारगेट क्या है, नेक्स्ट 10 ईयर में अपने आप को क्या देखना चाहते हो। ये जो मैंने आपको पेज पे लिखवाया ना, आप अपने आप से ईमानदारी से पूछे, कभी आपने इसके पहले ऐसा किया है? आज के बाद हर हफ्ते में एक दिन ये जरूर करना एक्सरसाइज, एक ही थॉट आना चाहिए, और कुछ दिनों बाद ऐसा होगा 2-3-4 मंथ बाद कि आप एक सेकंड में लिख दोगे कि मुझे क्या बनना है, और आपको एक सेकंड बाद ये भी पता होगा कि उसके लिए एफर्ट्स क्या होंगे। एक सबसे बड़ी, मैंने सभी की लगभग आधे लोगों की कॉपी देखी, आप लिख ही नहीं पा रहे थे, या बिल्कुल वही स्टैंडर्ड जैसे होता है ना 6th-7th class में ऐसे लिखने को आता है तो काऊ के ऊपर ही लिखने को मिलता है हमें, वो रट के जाते हैं और बोलने लगते हैं, वो रटा हुआ नहीं चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हो। जैसे मैंने क्लास 12 से मैथ्स पढ़ाना चालू किया था, और मुझे मैथ्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट सेक्टर का कहीं पे कोई एग्जाम नहीं दिया, गलती से भी सिलेक्ट हो जाऊंगा घर वाले मुझे ज्वाइन करवा देंगे, बोलते रहे मैंने नहीं दिया। थॉट्स बिल्कुल क्लियर थे, आज भी, आज से 10 साल बाद भी, और आज से 20 साल बाद भी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता हुआ ही मिलूंगा। तो पहले तो कंफ्यूजन दूर करना है। तो जो आपने लिखा है उसमें क्लियरिटी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास इतना वंश है बच्चों का लिखा हुआ, मेरा ये करीब करीब 100 सेमिनार होगा, 100 से ऊपर ले चुका हूँ, और जो स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ उनसे लिखवाता हूँ कि क्या बनना चाहते हो, और वो लोग संभाल के रखते हैं, और मैं खुद भी एक कॉपी संभाल के रखता हूँ। 30-40% स्टूडेंट से पहली बार में जो लिखवाया उसको मैं बोलता हूँ भूल जाओ, एक हफ्ते बाद फिर लिखवाता हूँ और वो रखता हूँ,
आपको बताऊं 30-40% स्टूडेंट ने जो लिखा होता है उससे ज्यादा वो अचीव कर चुके होते हैं, और वो मुझे ये बात बोलते हैं कि सर ये लिखने से हमें समझ में आया कि हम क्या सोच रहे थे और क्या करना है। पहले थॉट्स प्रोसेस क्लियर करो। सबसे पहला काम जो होना चाहिए आपका, आज का दिन मैथ्स डे है, पहले तो ये क्लियरिटी होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे कैट का एग्जाम देना है तो क्या करना। देखिए आप लोग पीजी करेंगे, ये सेशन हमारा जो है बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कैट के लिए पढ़ रहा हो तो क्या करोगे, गेट के लिए पढ़ रहा हो तो क्या करोगे, यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हो तो क्या करोगे, एमपीपीएससी के लिए कर रहा हो तो क्या करोगे, एसएससी के लिए कर रहा हो तो क्या करोगे, या एमटेक के लिए जाना है तो क्या करोगे। सबका नेचर डिफरेंट है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूं और एसएससी की भी कर रहा हूं और कैट भी दूंगा और पता चला कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहले, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप सब लोग मुझे ये जो पेज पे मैंने लिखवाया ये मुझे आप व्हाट्सएप करना और अपने पास भी संभाल के रखना। एक सिंगल एम होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। पैसा कमाना एम नहीं होना चाहिए, अगर सक्सेसफुल हो तो पैसा तो कमा ही लोगे, हर सक्सेसफुल आदमी के पास पैसा होता है ना। तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो तो मनी आ जाएगी, कितनी मनी चाहिए इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, पर वो आपके पास आ जाएगी। पर सबसे पहला काम आपको ये करना है वो ये कि आज से ये डिसाइड करना है कि मुझे लाइफ में करना है। पर डे के छोटे छोटे टारगेट सेट करने, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, बिल्कुल अभी एक सेमेस्टर दे दिया आपने, देने वाले आप दोगे क्या, पढ़ के दोगे, शिवानी पढ़ के दोगे, बुक्स पढ़ के दोगे, कितने लोग बुक्स से पढ़ते हैं अभी, तो ईमानदारी से हाथ उठा दो। अगर आज ईमानदार हो गए तो आगे भी बने रहोगे, ठीक है। कितने लोग शिवानी से पढ़ते हैं। अच्छा हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, नंबरों की पढ़ाई कर रहे हैं कि नॉलेज की। तो नॉलेज की जब पढ़ाई करते हैं, देखिए एक सिंपल फॉर्मूला, जब हम नंबरों की पढ़ाई करते हैं तो ना नंबर आते ना नॉलेज बढ़ती, रिवर्स करो। जब हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो क्या होगा, नॉलेज भी आएगी और नंबर भी बढ़ेंगे। 388 देखिए आप सब लोगों ने, आमिर खान में क्या क्वालिटी सबसे अच्छी लगी, मस्ती करता हुआ दिखा, राइट करी ना। पर आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि टॉयलेट में बुक लेके भी पढ़ता हुआ दिखा, राइट। इसका मतलब आपको मस्ती करने के लिए कोई नहीं रोक रहा, जितनी कर सकते हो करो, पर डे का टारगेट सेट करो। पर डे आपका ये डिसाइड होना चाहिए कि मुझे कल क्या क्या वर्क करना है। वो दिन के 2 बजे खत्म होता है तो 2 बजे के बाद मस्ती, और रात के 2 बजे होता है तो 2 बजे के बाद मस्ती। आप लोग मुझे बताइए ईमानदारी से कि IITians में और आप में क्या डिफरेंस है, जो IIT से बी कर रहे हैं और आप में क्या डिफरेंस है। मैं पूछता हूं आप लोग, जिससे पूछो वही बताना क्या डिफरेंस है आप में और एक IIT सिलेक्टेड बच्चे में, क्या डिफरेंस है। बैठ के जो आपके थॉट्स हैं वो बोलना। डिफरेंस क्या है, मतलब ऐसा क्या है कि वो आपसे अपने आप को अलग कर चुके हैं ना अभी, तो क्या डिफरेंस है आपसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई करते, ठीक है, क्या डिफरेंस है। आपके पास लॉजिकल पावर अच्छा नहीं है, उनका नहीं, वो क्या कहाँ से आते हैं, हम लोगों के बीच में होते हैं। आप लोगों के बीच में अभी आते 4 साल बाद कुछ कैट में सिलेक्ट होंगे, कुछ गेट में 100% आई लाएंगे, कुछ यूपीएससी में सिलेक्ट होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे ना, तो वो वैसे ही है। तो पर क्या डिफरेंस, आप बताओ क्या डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहले एक बेसिक बात, आवाज आ रही पीछे, सबसे पहले एक बेसिक फंडा बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोगों के साथ ये जो सेमिनार है ना, आज का मेरा सब्जेक्ट है कि हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी कैट एसएससी कोई भी एग्जाम, आप पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करोगे। सबसे पहले हम समझे कि हम IIT क्यों क्लियर नहीं कर पाए, और जिन बच्चों ने क्लियर किया क्यों किया। जिन बच्चों ने क्लियर किया हम जरा उनका एक बैकग्राउंड देखें, 99.99% बच्चे वो होते हैं जो 9th, 8th, 9th, 10th, 11th से सिंसियरली पढ़ाई करते हैं। जैसे मैं DPS में एज ए गेस्ट फैकल्टी जाता हूं, मैं आपको बताऊं, और केवल कॉम्पिटेटिव क्लास के लिए जाता हूं। अभी DPS से 5 बच्चे 9th क्लास में सिलेक्ट हुए SOF में, मैं आपको उनकी फोटोग्राफ भी दिखाता हूं 9th क्लास की, उनको 11th का भी मैथ आता है पूरा। बात समझ में आ रही है, मतलब 10th को छोड़ दो,
लेविन के कंसेप्ट क्लियर है। वो पूरे भोपाल से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए, उनको पूरा लेवन का मैथ क्लियर है। टेंथ में क्या होगा, वो ट्वेल्थ का मैथ क्लियर करेंगे, और इलेवन ट्वेल्थ में क्या करेंगे, वो आईआईटी के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, इसलिए वो सिलेक्ट होते हैं। अब अपने आप से पूछे कि आपने ऐसा किया था, ये डिफरेंस था। अब अगर आपको कैट देना है तो आप अब से क्या एफर्ट डालने वाले हो, ये सबसे पहला क्वेश्चनिंग। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक तो ये थॉट ही नहीं आता क्या करना, अरे मस्ती कर ले निकल जाएगा टाइम। थर्ड ईयर के बाद लगता है कंपनी आने वाली, पढ़ लें। थोड़ी सी पढ़ाई से कुछ नहीं होता, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो थोड़ी सी पढ़ाई से कुछ नहीं होता। मैं एनटीएससी स्टूडेंट की डीपीएस की क्लास के बच्चों की क्लास लेता हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप चल के देख लो, आप ट्वेल्थ क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन दे दो 100% सॉल्व कर देंगे, क्योंकि दिमाग में है कि मुझे आईआईटी निकालना है। ओलंपिक में मेडल लेने के लिए क्या ऐसे मिल जाता है, आप बताओ इंडिया टीम क्यों गोल्ड मेडल कम लेती है, सिंपल सा लॉजिक। मैं हमेशा आपको बोलूंगा, आप अपने आप को जीवन में देखना चाहते हो ना, मैं अपनी कंपेयर हमेशा प्लेयर से करता हूँ, और आपको भी बोलूंगा प्लेयर से अच्छा कोई नहीं होता कंपेयर करने के। क्यों सबसे कम इंडिया को पॉपुलेशन में नंबर 2 है, 4 साल बाद नंबर 1 हो जाएगी, राइट। 2019 में हम चाइना को क्रॉस कर देंगे पॉपुलेशन में, पता है ना आपको, पर मेडल में तो हम कहीं पे भी नहीं आते, क्या रीजन है? 2-3 साल से नहीं होता, आपको पता है चाइना में अगले 12 साल बाद जो ओलंपिक होना है उसके प्लेयर आज तैयार हो रहे हैं, बात समझ में आ रही, इतना बड़ा गैप है। और वो प्लेयर को भी कैसे तैयार करते हैं कि जो प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला है उसका जो रिकॉर्ड है उस लेवल के प्लेयर तैयार करके भेजते, क्वालिफाई नहीं भेजते, हमारे यहाँ पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। जब सिंपल सी बात है कि अगर कोई रनिंग रेस, हुसैन बोल्ट का नाम सुना आपने, जूते भी नहीं थे उसके पास, है ना, जूते भी नहीं थे और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ले गया, सिंपल सी बात है, वो 9.35 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रहा है, जो 9.30 में करेगा वो गोल्ड मेडल लेगा ना, पर जो क्वालिफाइंग प्लेयर जा रहे हैं वो तो उनका रिकॉर्ड ही उससे ऊपर है, कहां से जीत के लाएंगे। वही प्रॉब्लम हम सबके साथ होती है, हम जब सोचते तो है कि हमें कैट क्लियर करना है, हमें गेट निकालना है, पर हमारे एफर्ट तो कुछ भी नहीं, उन एफर्ट्स को कैसे डालना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, पर वो एफर्ट्स ही नहीं है। आज फर्स्ट सेमेस्टर देने वाले हो आप, आपके पास 7 सेमेस्टर है, अगर आप आज से हर सेमेस्टर में सिस्टमेटिक पढ़ोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको पहले एग्जाम में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। आप में और आईटीएम बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना लॉजिकली ना अप्रोच, कुछ नहीं है। डिफरेंस है तो उनके पीछे की मेहनत और आपकी उस लेवल पे मेहनत नहीं की गई, बस और कोई डिफरेंस नहीं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। मैंने तो 12th तक पढ़ाई नहीं की, आपको बता दूं, बस 12th में की एक बार पढ़ाई और उसके बाद भी नहीं की, आपको एक और बात बता दूं, मैंने 12th में मैथ्स पढ़ा बहुत अच्छे से, मैथ्स पढ़ाने में मजा आया, पढ़ाने लगा, ना उसके पहले पढ़ाई की ना उसके बाद की, और मेरा लाइफ का एक बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि लाइफ की एक टाइम की मेहनत पूरे जीवन चलती है, वो पर मैंने एक साल इतनी मेहनत की थी कि जिसके वजह से मैं आज आपके साथ खड़ा हूं। वो आईआईटीएन जो बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं वो 3 साल बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपको बता दूं एक बात, मेरे साथ कई सारे आईआईटीएन बच्चे भी आते हैं, आईआईटी में पढ़ाने वाली फैकल्टी कोई ढंग से नहीं पढ़ाती, जितना अच्छा यहाँ की फैकल्टी पढ़ाती है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस कॉलेज में सेमिनार ले रहा हूँ, जितना अच्छा प्राइवेट कॉलेज की फैकल्टी पढ़ा सकती है आईआईटीएस पढ़ा ही नहीं सकते, पर क्योंकि बच्चे पहले ही मेहनत करके गए होते हैं तो उन्हें मेहनत की आदत होती है, वो खुद ही निकाल लेते हैं पेपर, तो वो एक मेहनत की आदत लग जाती। जैसे ऐसा नहीं है मैंने उस समय 15 घंटे मेहनत की, आज मैं 18-20 घंटे मेहनत करता हूँ, 18-20 hours, 5-6 घंटे ज्यादा मैं कभी नहीं सोता, 6 घंटे तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है बता रहा हूँ। संडे के अलावा मैं पूरे साल, मेरा इतना रूटीन फिक्स है कि 12 के बाद सोना है, सुबह 5:30 बजे उठना है, 6 बजे मैं क्लब जाता हूँ, 8 बजे मेरी क्लास चालू हो जाती है। मैं क्लब की जगह बताता हूँ, क्लास की जगह मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लो, आपको रोज मिलेगी एक्सेप्ट संडे, बस। तो आपको ये समझना है कि कोई डिफरेंस नहीं है आप में और आईटीएस में, डिफरेंस था केवल अप्रोच का, एफर्ट्स का। 12 लाख लोग तैयारी करते हैं आईटी की, 12,80,000 लोगों ने दिया इस तरह, आप में से भी कई लोगों ने दिया है, पर आपने उतने एफर्ट्स के साथ दे दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ये सोचते हो मैं उनसे वीक हूं, उनसे कमजोर हूं, सब फालतू की बातें, 100% फालतू की बातें, आप खुद ही को अपना कम मत बनाओ, आप पहले समझो कि क्यों नहीं हो पाए थे सिलेक्ट, उस रीजन को पकड़ लोगे ना तो अगला एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा। हम इस बात को मान लो, अरे वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लॉजिकल पावर अच्छी होती है,
ये अच्छा होता है वो अच्छा होता है ऐसा करके हमने अपने आप को समझा लिया। फिर ये समझाने के बाद अपन तो अब इस कॉलेज में आ गए, अब देखते हैं क्या होगा, जॉब लग गई तो ठीक है नहीं तो दुकान खोल लेंगे। बार 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 अपने आप को नेगेटिव काउंसलिंग से समझा रहे हैं, हर रोज क्यों नहीं पॉजिटिव काउंसलिंग करते अपनी, हर दिन अपने आप से क्यों नहीं बोलते कि मुझे अपनी लाइफ में बेस्ट करना है, फर्स्ट रैंक नहीं लानी, फर्स्ट रैंक ला गए तो फिर तो नीचे आओगे सेकंड पे, मुझे अपना लाइफ में बेस्ट करना है। कल मैंने अगर 6 घंटे पढ़ा था तो आज 6 घंटे 10 मिनट क्यों नहीं पढ़ो। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हर एक के पास, आपके पास कितना टाइम होता है पर आपको पता ही नहीं होता, पर टाइम आपको कहां पता चलता है, जैसे मैं रेड लाइट पे देखता हूं, क्या होता है अपन छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी चीजों से अपना एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, हमारे अंदर एटीट्यूड डेवलप होना। सुना ना एटीट्यूड पर, सुना एटीट्यूड कैसे होगा, अपने आप हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, एटीट्यूड होता क्या है। कई बच्चे बोलते हैं इसमें बहुत एटीट्यूड है, बोलते हैं ना क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड एक होता है निगेटिव एटीट्यूड। क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, और नेगेटिव में दिखावा करेगा। तो एक आपको एग्जांपल दो आप, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर रखा है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेगा वो बोलेगा कि इसमें आधा ग्लास पानी भरा है, नेगेटिवली देखेगा तो आधा ग्लास भरा ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो बोलेगा कि आधा ग्लास भरा आधे में हवा भरी हुई है ना, और हम पूरा पी जाएंगे तो फुल हवा हो जाएगी। देखिए अब सुनिए, सबसे पहले हम समझे कि एटीट्यूड क्या होता है। क्या होता है कि जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं सब लोग है ना, रेड लाइट पे जब गाड़ी रोकते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, इंडियंस हैं, हम क्या देखते हैं, रेड लाइट नहीं देखते, क्या देखते हैं, ऑनेस्टली बताओ पुलिस वाला है कि नहीं है, नहीं है तो निकाल लेते हैं। आप सोचो, सोच के देखो कि आप जीवन का वो 2 मिनट सेव कर रहे हो जहां आपकी लाइफ जा सकती है, दिन के कितने मिनट खराब कर रहे हो कभी काउंट कर। अगर एटीट्यूड है तो आप काउंट करना कि आप एक एक मिनट जहां पे लाइफ जाती है वहां बचा रहे हो, और जहां आपके दिन भर के कितने छोटे छोटे मिनट को आप खराब कर रहे हो वो मिनट को यूज करना। ये क्या है, कॉपी है ना, पर ये इसके पेपर अच्छे नहीं है, अच्छे पेपर की कॉपी क्यों नहीं है, ये सब पेपर है ना, थोड़ी अच्छी कॉपी होना चाहिए ना, दिखाओ आपकी कॉपी दिखाओ, क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, आपने ऐसी कॉपी क्यों खरीदी, रफ के लिए, वेरी गुड, आपने भी ऐसी कॉपी क्यों खरीदी, रफ के लिए, यही कीवर्ड है। क्या होता है रबर, रबर क्या होता है, एक चीज बताइए, जब मैं बच्चों से कॉपी लेता हूँ और ये पूछता हूँ कि ये कॉपी क्यों ली सर, रफ काम कर रहे हैं, पैर में बहुत अच्छा करते हैं, क्या होता है, मैंने कहा लाओ फेयर कॉपी दिखाओ, फेयर कॉपी का पहला पेज बहुत सुंदर होगा, दूसरा कम, और थर्ड रफ कॉपी जैसा, इसका मतलब तीसरे पेज पे हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। यही चीज समझनी है, एटीट्यूड भी यही होता है, आप में कुछ क्वालिटी है तो वो घंटों बनी रहेगी, और अगर आप आर्टिफिशियल हो तो 5 मिनट बाद आपको पता ही नहीं चलेगा आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओ। इसलिए जीवन में सबसे पहले तो एक बात याद रखो, कोई काम रफ काम नहीं होता, कोई भी ये काम है रफ कैसे हो सकता है, और जब हम रफ काम अच्छे से करेंगे तो फेयर काम में क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगी कि कम होगी, पर हम रफ काम को गंदे से करते हैं इसलिए एटीट्यूड डेवलप नहीं होता। छोटी छोटी चीजें जो आपके एटीट्यूड को डेवलप करेगी, जब हम लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे, अच्छा पेन यूज करेंगे, क्वालिटी का पेपर लेंगे, जो काम करेंगे वो अच्छा करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। रफ काम कुछ हो ही नहीं सकता जीवन। आपको क्या लगता है जब कंपनी इंटरव्यू लेती है, अब लोग कितना भी कुछ तैयारी कर ले 5 मिनट बाद आपको पता नहीं चलेगा आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओगे। हम भोपाल में रहते हैं, आपने भोपालियों को देखा, अगर प्योर भोपालियों को देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ भोपाली जब तक अच्छे जब तक बोलते नहीं, जहां उन्होंने बोला खत्म, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, आ रही हूँ जैसे उन्होंने करा उसके आगे कुछ बचता ही नहीं है ना, उसके आगे क्या बचेगा बताओ सोच के। तो आपको 5 मिनट के लिए अच्छा नहीं बनना है, आपको 5 मिनट के लिए नहीं बनना है, आपको 24 घंटे के लिए ऑल 24 आवर अच्छा बनना है। सुबह 6 बजे भी अगर मैं आपसे मिलूं और रात के 2 बजे भी मिलूं, आप में एक ही क्वालिटी होना चाहिए, और वो एटीट्यूड ही डेवलप करना पड़ेगा, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा।
हर दो दो एक एक मिनट की भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई करने के पैटर्न में चेंज लाओ। मेरे ऐसा बोलने पे कई बच्चों ने ये किया है और उनको इसके रिजल्ट मिले। सबसे पहली बात तो पढ़ाई करने का मतलब हमेशा बुक खोल के नहीं होती, दो तरह से स्टडी होती है, कब कब, एक बुक ओपन करके और एक बुक बंद करके। बुक ओपन करके क्या, जो नहीं आता वो पढ़ना, और बुक बंद करके क्या, जो आता है उसे नोट करना। अब हमारी प्रॉब्लम समझो, हम बुक खोल के भी वही पढ़ते हैं जो हमें आता है, क्योंकि इंटरेस्ट आता है उसमें, जो नहीं आता उसको पढ़ते ही नहीं, तो और वीक होता जाता है वीक सब्जेक्ट। प्रॉब्लम को समझो, आप ओरिजिनली समझो कि क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सेमिनार नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, एक जनरल डिस्कशन है। डेफिनेटली आपको इस पे चेंज मिलेगा अपने आप, पर उसके लिए कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। अपने अपने आप नहीं आएगा कुछ भी, अपने आप कुछ भी नहीं होता है ना, अपने आप कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने मैथ पढ़ी है, फंक्शन ये बोलता है कि बिना इनपुट के आउटपुट, केवल दुनिया में एक माँ बाप ऐसे जिनको आप अच्छा इनपुट दो ना दो वो आपको देते रहते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं जिसको इनपुट दिए बिना आउटपुट मिल जाए। इस पंखे को चलाना तो क्या देना पड़ेगा, इनपुट, पर इनपुट देने से नहीं चलेगा, इनपुट भी उतने ही वाट का लगेगा जितने वाट के लिए बना है। ज्यादा दोगे तो उड़ जाएगा और कम दोगे तो घूमेगा। वैसे ही किसी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए भी उतना इनपुट देना पड़ेगा जितना प्रीवियस ईयर के बच्चों ने उस एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए इनपुट दिए थे। इनपुट इज इम्पोर्टेंट वर्ड, और इनपुट भी उतना अधूरा नहीं, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, क्या होता है। तो आप लोग सबसे पहले पढ़ने के पैटर्न में एक चेंज लाओ, हर रात को एक काम करना चालू करो। आप 15 दिन में वो चेंज फील करोगे जो पिछले 15 साल में नहीं किया। क्या, जितनी पढ़ाई आप सुबह करते हो रात को सोने से पहले एक ब्लैंक पेज पे लिख दो, जो जो आपने पढ़ा उसकी समरी बनाओ। करते हो ऐसा, करते हो, समरी बनाना चालू करो। एडवांटेज क्या होगा, जब आप समरी बनाओगे तो आपके थॉट प्रोसेस आएंगे, आपने क्या क्या पढ़ा, राइट, उसकी इमेजिनेशन पावर्स डेवलप करनी है। कोई चीज लॉन्ग टर्म कैसे याद रहेगी वो चीज डेवलप करनी है आप, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अमिताभ कैसा दिखता है, अभी आपके सामने है, कहीं दिख रहा है, पर आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, आपके दिमाग में इमेज है। मैं कह रहा हूं ना, आपके साथ मेरी पूरी जो थॉट होगी एक घंटे की लॉजिकल थॉट होगी, मैं लॉजिकल बात करता हूं, खुद प्रैक्टिकल हूं, लॉजिकल हूं, वही आपके साथ करूंगा। लॉजिक के अलावा इस वर्ल्ड में कुछ नहीं है, मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स हमारी लाइफ है। दिन भर में हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो सब मैथ्स है, एवरीथिंग इज मैथ्स। तो हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। आप बताओ, अमिताभ की इमेज दिख रही है, दिख रही ना, हेमा मालिनी कैसी दिखती है, दिख रही है, ठीक है। मम्मी पापा आपके, देखो मैं बोलता जा रहा हूँ आपको दिखने चालू हो रहा है, राम भरोसे, राम भरोसे दिख रहा है, क्यों दिखेगा ही नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस चीज को हमने कभी देखा नहीं है उसकी हम, पता आपको, हम उसकी इमेज क्रिएट नहीं करते। आप लोग सभी लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, कंप्यूटर का क्या प्रिंसिपल, कंप्यूटर पर आप कई घंटे काम करो और अगर लाइट चली जाए तो उस काम का क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या होगा बताओ, आप ही से पूछ रहा हूं। अगर मैंने कंप्यूटर पे 5 घंटे काम किया और लाइट चली जाए तो उस काम का क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगा। अगर उसको स्पॉइल नहीं करना तो क्या करोगे, आप सेव करोगे, सेव करते समय क्या होता है, कंप्यूटर कुछ टाइम लेता है, आप जो पढ़ाई करते हो उसको सेव करते हो कि नहीं, स्टोरेज करते हो कि नहीं, क्योंकि मैं करता हूँ स्टोरेज और मैंने उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव देखे हैं। मैं जो कर सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, कैसे स्टोर करता हूँ उसका रीजन तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो लॉन्ग पढ़ाई नहीं करनी, 1 घंटे पढ़ाई करी, हम क्या करते हैं बताते हैं क्या नुकसान हम करते हैं, पढ़ाई करी 2 घंटे पढ़ते, अरे यार थक गए चलो एंटरटेनमेंट करते हैं, मोबाइल खोल लिया, बात करने लगे दोस्तों से, आपने उसको स्टोरेज का तो टाइम ही नहीं दिया। जो चीज आपने पढ़ी है पढ़ने के बाद लाइफ में, आज से एक फॉर्मूला याद रखना, पढ़ने के बाद किसी से 10 मिनट बात नहीं करनी, किसी से मतलब किसी से भी नहीं, आंख बंद करो, सोचो आपने क्या पढ़ा, राइट, आप सोचना चालू करो कि आपने क्या पढ़ा है, वो थॉट्स आने दो 10 मिनट बाद, फिर पढ़ाई चालू करो, डब्लू घूम गया दिमाग का, फिर पढ़ाई चालू करो। ऐसे करते रहो, रात के जब भी सोते हो 10 बजे 11 बजे 12 बजे, सबसे पहला काम एक ब्लैंक पेज लो, क्या पढ़ा था वो नोट करो। उसका एडवांटेज बताता हूँ, ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक ऐसा ब्रेन है जो 24 आवर काम करता है, पता ना आपको, ब्रेन की अगर वर्किंग रुक जाए तो हम बोलते हैं कोमा में चला गया, है ना। तो
तो ब्रेन का स्टॉप वर्किंग कभी स्टॉप नहीं होता, पर हम ब्रेन को काम नहीं देते। रात को आप जो सोचते हो अक्सर या जो टीवी पे देखते हो वही चलता है सपने में, पर आप जैसे ही रात को ये करना चालू करोगे आपको वो सारी चीजें रात भर में याद हो जाएंगी। अब वो याद हो गई, जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन आज भी सॉल्व नहीं हो तो मैं रात को करने बैठ जाता हूँ, सो जाता हूँ, वो रात भर में सॉल्व हो जाता है, सुबह उठ के लिख देता हूँ सॉल्यूशन। बिल्कुल रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, कहीं उलझा तो मैंने, मेरे पास तो फॉर्मूला ये कि मुझे रात को ही करना है। अब क्या करा, बात समझ में आई? अब सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, उस समय आपके थॉट पे आना चाहिए कि मैंने रात को क्या कॉपी पे लिखा था, दिन भर पढ़ा गया वो मत सोचो। आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगी। कई लोगों की ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर कि हम भूल जाते हैं। कितने लोगों की प्रॉब्लम है ना, जो याद रखना चाहते हैं उसे भूल जाते हैं और जिसे भूलना चाहते हैं वो याद रहती। क्यों? जिसे आप भूलना चाहते हो वो चीजें याद रहती हैं और जिसे याद रखना चाहते हो वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में जिसे हम भूलना चाहते हैं उसका रोज रिवीजन करते हैं। वर्ड सुनना आप ध्यान से, उसका रोज और चार बातें और जोड़ लेते हैं उसमें, बुरी बात ही भूलना चाहते हैं। किसी ने कुछ कहा तो उस पर अपन उसके लिए सोचते हैं बुरा और चार और जोड़ लेते हैं। हम हर रोज उसका रिवीजन करते हैं इसलिए भूलते नहीं, पर जिसे याद रखना चाहते हैं उसका हम रिवीजन नहीं करते। मैंने आपको जो मेथड बताया स्कॉल्ड रिवीजन, और रिवीजन बुक खोल के नहीं करना है। बुक खोल के जब भी रिवीजन करोगे आपको याद नहीं होगा, आप बुक बंद करके करो आपको 100% याद होगा। ये सबसे पहला काम आपको करना चाहिए चेंज। दूसरा, जिसे आप भूलना चाहते हो भूल जाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा सोचने के लिए कि भूलना क्या है। बात समझ लो, जब आप सोचोगे कि भूलना क्या तो आपको दिक्कत है, आपके पास इस बात के लिए टाइमिंग है कि आप क्या भूलना चाहते हो। आपको तो याद क्या रखना है ये बात याद रखो आप, ठीक है, क्या भूलना है ये बात याद रखो। क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंटिफिक तरीके से अपनी अप्रोच को डेवलप करो। आज का दिन है, आप बहुत अच्छे दिन में बैठे हो, आपको अपनी अप्रोच को डेवलप करो। एक एक दो दो मिनट को बचाओ, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों से ये तक बोलता हूं, जैसे आपने मदर से अपनी खाना मांगा, खाना आने में टाइम लगता है ना, 5 मिनट टेबल बजा रहे होंगे, मत बजाओ, उसकी देर में खाली कॉपी अपने पास छोटी डायरी रखो, फॉर्मूले लिखो, वर्ड लिखो, जिस एग्जाम की तैयारी करो अकॉर्डिंग टू एग्जाम अपनी प्रिपरेशन करो, है ना। अभी अपन एग्जाम पे भी आएंगे कि किस एग्जाम में क्या करना है, क्योंकि मेरी डोमेन बहुत अच्छी है, मैं हर एग्जाम्स के लिए आपको बता सकता हूँ, हर एग्जाम्स के मेरे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब, और किस ढंग से डेवलप करना अपने आप को ये भी मैं डिस्कस करूँ। तो आपके पास जो 2-4 मिनट मिलते हैं उसमें लिखो फटाफट प्रॉब्लम। होता क्या, हम पढ़ाई के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 4 घंटे पढ़ने बैठेंगे 6 से 10, 5 बजे से खाली है पर 6 बजे तक नहीं पढ़ना, क्योंकि वो टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बना के पढ़ते हो आप लोग? कई लोग बनाते हैं टाइम टेबल, सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे तक पढ़ेंगे, 7 बजे से 7:30 तक चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, 7:30 से 2 तक पढ़ेंगे, फिर मम्मी से कुछ मांग के पराठा खाएंगे, फिर 10 से 2 पढ़ेंगे, फिर ये बनाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें सारा फोकस किस पे होता है, पढ़ने पे नहीं होता, खाने पीने पे होता है ना। पहला नुकसान कि फोकस खाने पीने पे, दूसरा 6 बजे नींद निकली, अरे यार पूरा टाइम टेबल बिगड़ गया, आज का तो दिन ही खराब, पूरा दिन बेकार कर रहा। इसका रिवर्स टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल तो बिल्कुल होना चाहिए, पर वो कैसा होना चाहिए कि रात को सोते समय डिसाइड कि कल मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है या ये पोर्शन कंप्लीट करना है। मैथ्स है तो फंक्शन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप क्योंकि बी कर रहे हो इसलिए आपके अलग अलग हो सकते हैं। M1 का कंप्लीट करना है इतना पोर्शन, मैकेनिक्स में ये पढ़ना, सिविल में पढ़ना, जो भी सब्जेक्ट है वॉट एवर, पर उस सब्जेक्ट के कुछ पोर्शन का डिसीजन होना चाहिए ये कंप्लीट करना है। कब? पूरे समय पढ़ना, बचे हुए टाइम पे कुछ और करना, सबसे पहला ये दिमाग में होना चाहिए। सुबह उठते ही चालू हो जाओ, जो मैंने बताया ब्रश करने से लेके और दिन भर की एक्टिविटी फिक्स होना चाहिए, तो आपका टाइम टेबल आपसे चेंज करो। दूसरा, अब आप में से कितने लोग इधर हाथ उठाइए कैट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने यूपीएससी भी लिखा था, यूपीएससी की कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हो आप यूपीएससी के लिए? लेकिन अभी क्या है रेगुलर नहीं कर पा रहा, तो वो रेगुलरिटी छूट गई है क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या नए नए सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुए तो उन सब का भी पढ़ना रहता है। और क्या रहता है ना कि जैसे दिन में पूरे छोटे छोटे टास्क डिसाइड करो
कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये करना है, सर डिसाइड तो हो जाता है बट कुछ ही टास्क रहते हैं जो कंप्लीट हो पाते हैं, बाकी और चीज़ों के लिए फिर ऐसा लगता है कि लैक ऑफ टाइम है, टाइम नहीं मिल रहा है, अभी ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही है, और मेन चीज़ क्या रहती है और थक जाते हैं पूरा दिन कॉलेज से वाले डर गए, और फिर क्या रहता है फिर जिन से चार से पाँच घंटा तो सोना ही रहता है, इतना सोए उसके बाद सुबह उठे फिर से वही कॉलेज चालू, और संडे को फिर टाइम मिलता है, संडे को फिर सोचते हैं दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ। और देखिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है भैया, फोन बंद कर दो सबसे पहले, कि लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ना हो प्रॉब्लम नहीं, राइट? कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया की, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यही हम मैथ्स में करते हैं, रॉन्ग हो गया तो। और आप लोगों से मैं एक बात और बोलूंगा कि आप मुझे अपनी एक प्रॉब्लम बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, बल्कि मैं नहीं बताऊंगा आप ही बताऊंगा, आप लोग मुझे अपनी कोई भी एक प्रॉब्लम बताना अभी थोड़ी देर बाद, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। जैसे इसने अपनी प्रॉब्लम बता दी, मेरे पास आपका सॉल्यूशन भी, और आपने दिया उसका सॉल्यूशन, मैं नहीं देता। हमारे पास हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कभी अपनी प्रॉब्लम को खींच के बोलना, आपको उसमें सॉल्यूशन भी दिखने लगेगा। जैसे आपने बोला कि मैं थक जाता हूं, राइट? संडे को एक ही दिन मिलता है दोस्तों के साथ घूमना, बिल्कुल घूमना चाहिए, फिर कॉलेज और नए नए सब्जेक्ट ये सब है ना, आपके पास प्रॉब्लम भी थी और सॉल्यूशन भी यही था। कैसे था? सबसे अच्छी बात तो ये आपने बोली एक पॉजिटिव बात, मतलब मैंने इतने सेमिनार लिए, आप फोर्थ नंबर के स्टूडेंट हो जिसने बोला कि फिफ्थ क्लास से जीएस पढ़ रहा हूं। मैं यही बोलता, अगर आपको यूपीएससी करनी है तो आपको जीएस की आदत डाल लेनी चाहिए, रोज एक घंटा चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए मुझे पढ़ना है। यूपीएससी निकल ही नहीं सकता, कैट निकालना है, इंग्लिश की स्पीड पे वर्क करना है, 400 वर्ड पर मिनट रीडिंग स्पीड होना चाहिए। हर एग्जाम का नेचर अलग होता है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमें बात करनी चाहिए। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब्जेक्ट पे जबरदस्त कमांड होना चाहिए। देखो यूपीएससी कैट में आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट काम नहीं आते, पर अगर गेट की तैयारी कर रहे हो, एमटेक करना है, तो आपको यही सब्जेक्ट काम आए, है ना? तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमें पढ़ना है। अब टाइम कैसे निकालेंगे? मोबाइल फोन है आपके पास, कौन सा दिखाओ? डरो मत, मैं मोबाइल नहीं लेने वाला, ठीक है? आप लोग जितने लोगों के पास टाइम की प्रॉब्लम सभी के पास है, आज से लेके एक हफ्ते के लिए अपना मोबाइल फोन तो बंद कर दो पूरे समय के लिए, 100%। एक हफ्ते बाद शायद आप अपने आप से ही बोलोगे, यार अपने पास इतना टाइम था ये तो पता ही नहीं था। ये होने वाला है, मोबाइल फोन हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। और अगर पूरे समय बंद नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, मोबाइल में एक मैसेज डालो कि मैं केवल 6 to 7 ही बात करूंगा। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ और आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। क्या होता है, अभी हम अपना 24 hours मोबाइल ऑन रखते हैं तो अवेलेबल है हर समय, जैसे ही कोई मोबाइल आया हमने उठा के बात कर ली कॉलेज के टाइम को छोड़ के। उससे लॉस क्या होता है, आपका डिस्टर्बेंस बना रहता है, हम दो बातें तो करते हैं पर चार बातें और सोचते हैं ये बोलना भूल गए, ठीक है? वो चलता है प्रोसेस, आपका ब्रेक हो जाता है। अब आपने मान लो, अब क्या होगा, आप बोलोगे अरे सर बंद कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगी दोस्त लोगों को, ये वो, कुछ नहीं होगा। आप 6 दिन के लिए टोटल आपने डिसाइड किया कि मैं 6 to 7 ऑन रखूंगा, तो आप 6 to 7 के अलावा बंद रखो। 7 डे से आप पूरे दिन 24 घंटे खुला रहते हैं ना, आपका फोन नहीं बजेगा। लोग आपके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी सेट होते हैं पर आप उन्हें करते ही नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ ना लोगों को, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हो? बात समझ में आ रही है कि मुझे अपने आप को अपने तरीके से चलाना है, दुनिया के लिए नहीं चलना, मुझे सक्सेसफुल होना लाइफ में। लोग क्या कहेंगे, दोस्त यही कहेंगे ना, अरे यार तू तो बहुत पढ़ने लगा, देखते तेरा कितना होता है, पॉजिटिव हो गया, तो आपके लिए तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आ गया, साला अब ये मुझे अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो बहुत सुनाने वाले। मदर ने कहा पढ़ाई करते समय कुछ लाओ तो हम ले आते हैं, टीवी देखते समय हम बोलते नहीं ला रहे, अरे जब टीवी देख रहे हो जब ले आओ, जब पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब बोल दो, अभी नहीं जा सकता, क्या बोलेंगी माँ आपकी, अरे देखा है बहुत पढ़ाई करते हुए पहले भी किए तुमने, क्या हुआ रिजल्ट हमें सब दिख रहा है, ठीक है? ये कॉमन एग्जांपल है। फिर एक और मोटिवेशन मिल गया आपको, तो आप ऐसे मोटिवेशन बढ़ाओ ना अपनी लाइफ में, क्यों नहीं बढ़ाते हो? आपको सोचना पड़ेगा, जैसे आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे कितना 3 बजे भी सो, पर पढ़ना है मुझे, राइट? आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर की स्टोरी पढ़ी आपने, 4 साल से बल्ला उठाया, सुबह 5 बजे उठ के रोज ग्राउंड पे पहुंच जाता था, दिन रात मेहनत करते हैं प्लेयर, है ना? फिलिप्स का नाम सुना है आपने, माइकल फिलिप्स का, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं, है ना? आप लोग नहीं ले सकते थे, पानी में एक
अपन अभी मैंने बात करी थी हुसैन बोल्ट का, वो 100 मीटर की रेस के लिए रोज 40 किलोमीटर की रनिंग करता था, 100 मीटर तो कितना जरा सा डिस्टेंस है, फिर भी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस क्यों रन कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि वो 100 मीटर की रेस नहीं जीत सकता, इसलिए कि 90% कॉम्पिटिशन तो खत्म। जो ये सोचेगा मुझे रेस में जीतना, पहले उसके दिमाग में क्या आना चाहिए, यार 40 किलोमीटर तो मुझे भी दौड़ना है, कॉम्पिटिशन खत्म। सबसे पहले लोगों को खत्म कर दो। कैसे करोगे? अपने आप को सबसे आगे निकालने का तरीका सोचो। आप इतनी मेहनत करो कि सामने वाला सोचने ही छोड़ दे, यार इतनी तो अपन नहीं कर सकते। वही करा माइकल फ्लेप्स का, 6 घंटे पानी में रहता। आपको पता है ह्यूमन बॉडी 1.5 अगर लगातार पानी में रहे, उसने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाया कि 6 घंटे तक पानी में रह सकता है, और वो जीत के ले गया सारे मेडल। क्यों? क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस की। तो कोई चीज ऐसे थोड़ी मिलती है, बिना एफर्ट्स के नहीं मिलती। आपको लगता होगा कि थोड़े से एफर्ट से मिल जाए, तो थोड़े एफर्ट से तो कम्प्रोमाइज मिलता है। आपकी पसंद की चीज थोड़े से एफर्ट से नहीं मिली, वो कम्प्रोमाइज मिलेगी। और सबसे राइट टाइम पे बैठे हो आप, सबसे राइट टाइम। थर्ड ईयर में बच्चे आते हैं, सर वो कैंपस के लिए कंपनी आएंगी, एप्टीट्यूड लेंगे। सर बोल रहे थे ना अभी कि रोगों को रिजेक्ट करना होता पहले, लेती इसलिए एग्जाम। कैसे फिल्टर कैसे लगाएंगी बताओ? कोई कंपनी आके टेस्ट क्यों लेती कि भाई अब 1000 लोग बैठे हैं, कंपनी में तो 20 की जरूरत है ना, फिर क्या करें? तो फिल्टर लगा दिए। अच्छा, कंपनी में सबसे ज्यादा काम के लोग कौन है? आपको बताओ क्या लगता है, किसी कंपनी में कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा काम का है, IITians या नॉर्मल कॉलेज का स्टूडेंट? नॉर्मल कॉलेज का स्टूडेंट। क्यों? नहीं, रीजन बताता हूँ। IITians क्यों लेती, पहले तो कंपनी हम समझे कि IITians क्यों लेती। मान लो मेरी एक IT कंपनी, मैंने अगर मेरे पास IITians नहीं होंगे तो मुझे कोई बड़ी कंपनी या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही नहीं देगी। मुझे एक प्रोफाइल बनानी है कंपनी की कि मेरी कंपनी में तो भाई 50 IITians है, काम वो कुछ नहीं कर रहे, तनखा ले रहे हैं, काम तो करते हैं हम लोग, आप ज्यादा मेहनत करते हो। दूसरा, मेहनत करने के साथ छोड़ने की कोशिश नहीं करते, अरे यार अपन ने तो इस कॉलेज से किया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अपनी सोच को बदलना है, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। यार अपन ने इस कॉलेज से किया, अपन पता नहीं अगली कंपनी में जा पाएंगे कि नहीं, और हम अपने आप को वहीं पे समेट के रख लेते हैं और फिर वहीं मेहनत करते रहते हैं, और बिल्कुल दिन रात कंपनी के लिए जी जान कर रहे होते, क्योंकि हम अपने थॉट्स को डेवलप नहीं कर रहे। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो डेवलप करने हैं वो अपने थॉट प्रोसेस को, मैंने जो लिखवाया था वो लिखवाया इसलिए था, 90% लोगों ने तरीके से थॉट नहीं लिखे कॉपी में। मैं बता दूं, मैंने वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कई लोग तो लिख ही नहीं रहते, और कई लोगों ने बहुत लेट लिखे, और कई लोगों ने बहुत ही घिसे पिटी चीजें लिखी, दिमाग में ही नहीं है क्या। थॉट तो डेवलप करो, सोचना तो चालू करो कि मुझे मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता मुझे। आप हर दिन मस्ती करो, आप संडे को क्यों घूमते हो दोस्तों के साथ, रोज घूमो, किसने रोका आप? पर हर दिन का टारगेट डिसाइड करो पूरा, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, सबके पास 24 आवर होते हैं। कैट IIM अहमदाबाद की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। IIM अहमदाबाद में बोला जाता है नाइट नहीं होती वहां पे, पता है? क्योंकि वहां के बच्चे क्या करते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे से क्लास होती है, 8 to 12 क्लास हुई, 12 to 12:30 लंच हुआ, उसके बाद प्रेजेंटेशन चालू हो गए, प्रेजेंटेशन चालू होने के बाद शाम को फिर वर्कशॉप होते हैं, फिर रात को उनको इतना वक्त मिलता है कि 2-2 बजे तक काम करते हैं, फिर 2-3 बजे तक मस्ती करी, 3 बजे सोए, 5 बजे उठ के फिर चालू, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की लाइफ का सिंगल फॉर्मूला होना चाहिए, कम खाना, कम सोना और ज्यादा पढ़ना। इसका रिवर्स करो। मैं हर चीज को रिवर्स करता हूँ, जहां मुझे प्रॉब्लम होती है ना मैं उसका रिवर्स करता हूँ तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे आपने प्रॉब्लम बताई, अच्छा बताइए अगर मैथ्स का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, सॉल्यूशन के बाद अगर रिवर्स करें तो क्या बनता है? क्वेश्चन है ना, इसका रिवर्स करो। ज्यादा खाओगे, ज्यादा सोओगे, और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन लोगों को होती है, सबसे ज्यादा बीमारियां किसको होती है? ज्यादा खाने और ज्यादा सोने वाले। तो बिल्कुल दिमाग में रखो, कम खाना और कम सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे TM भी 4 घंटे सोते हैं ना, देखा ना आपने उनकी वर्किंग स्टाइल, और सबको पागल करके रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या है। जैसा मेरी एक प्रॉब्लम थी, मैं बताऊं आपको, ये 99 की बात बता रहा हूँ। सुबह मुझे जब तक चाय नहीं मिलती थी मैं पड़ा रहता था, फिर 5 मिनट में उठ रहा हूँ, 10 मिनट में उठ रहा हूँ, मम्मी उठा रही है, उस चक्कर में लेट होता था।
ठीक है, मैंने इसका रिवर्स किया कि अब मैं चाय नहीं लूंगा, सुबह की चाय पीना बंद कर दूं, पहला काम। दूसरा, अलार्म से नहीं उठूंगा, अलार्म को उठाऊंगा। और तीसरा, मम्मी को उठाऊंगा। सच बोल रहा हूँ, जब से लेके आज के दिन तक मैं सुबह उठ के चाय नहीं पीता, अलार्म नहीं लगाना पड़ता मुझे। मैं 3 बजे भी सोऊं तो 5 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन काम कर रहा होता है। और मैंने बदर को अब भी मैं ही उठाता था, मतलब मैंने ये रिवर्स किया। मैं हमेशा प्रॉब्लम के रिवर्स को देखता हूँ कि इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालें, क्या करें हम, 24 घंटे को 26 घंटे कैसे बनाए, ये सोचना पड़ेगा। नहाते समय जब जैसे वॉशरूम में जाता हूँ तो मैं नहा के ही निकलता हूँ, 10 मिनट में तैयार। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं 6 मिनट में भी तैयार हो सकता हूँ, मिनट के हिसाब से चलता हूँ। तो आपके पास सॉल्यूशन तो है, आप 26 घंटे बना ही नहीं रहे 24 घंटे, एक एक दो दो मिनट बचाओ ना। जीएस के लिए अपने साथ न्यूज़पेपर रखो, कॉलेज में 5-1 मिनट का लेक्चर का टाइम मिला, पढ़ने लगे क्या होगा, लोग हंसेंगे ना आप पे। मैं तो चाहता हूँ लोग हंसे, यही लोग बोलेंगे यार वो बंदे में दम थी, वो था तो पागल, हमको यकीन था कि वो सिलेक्ट हो गई हो। जो आज आप पे हंस रहे हैं, कल क्या करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा भाई, जीके पढ़ाने के लिए कोई घंटों थोड़ी जीके पढ़ना होती, जीएस पढ़नी होती। एक बुक रख लो अपने साथ हमेशा, जब टाइम मिले पढ़ लिया, एक मोबाइल फोन में इमेज खींच लो, उसका वॉलपेपर बना लो। बच्चों को आप लोग मोबाइल फोन को तरीके से यूज करना चालू करो तो वो तो आपके लिए पता नहीं क्या हो जाए, उसके वॉलपेपर बना लो। अपनी सेल्फी लेने की जगह क्वेश्चंस की लो, बार बार अपनी फोटो लगाते हैं, नुकसान ये होता है कि अपन अपने आप को कभी भी अच्छे नहीं लगते यार, कुछ अच्छी निकालनी फिर लेने में लगे, उसमें रोज खराब कर रहे टाइम, क्या जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बहुत छोटी सी बात है कि मोबाइल फोन का वॉलपेपर कभी अपनी इमेज नहीं होनी चाहिए, या तो मदर फादर की या कोई आइडियल पर्सन की, अपनी होगी तो हमेशा परेशान रहो। ये रियल, ये कितनी छोटी सी बात है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अपनी सेल्फी जब लगाना, जब आप लाइफ में जो चाहते हो वो लिख लो, बल्कि कि मैं क्या बनना चाहता हूँ उसकी एक इमेज लगा लो, क्या जरूरत है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप बदलोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। कोई ऐसी आप बताओ आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, देखो अभी बैठे हुए सब लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की नहीं है, तो बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। अरे आप डरो मत, बोलो। स्टडी प्रॉब्लम। क्या याद जल्दी नहीं, मैंने अभी टेक्निक बताई वो आपने कभी करी है, डिस्ट्रैक्शन जैसे कंसंट्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम। कितने लोगों का कंसंट्रेशन वीक है, राइट। अच्छा ये बताइए मुझे, आप लोग कंसंट्रेशन वीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। आप लोग अपने घर पहुंच जाते हो यहाँ से, किसी दूसरे घर, अच्छा हॉस्टल में पहुंच जाते हो, अपने रूम में जाते हो। अच्छा ये बताओ मूवी देखने जाते हो टॉकीज में, कितने लोग कंसंट्रेशन कभी भी नहीं देखी मूवी टॉकीज, देखिए ना, वही तो पूछा हूँ कि देखिए कि नहीं, ठीक है। जितने लोगों ने कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बताई, मूवी देखी आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों में से जिनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ईमानदारी से बता रहा है, इंटरवल के अलावा कितनी बार फिल्म से बाहर निकलते हो, तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम कहाँ हुई, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिन पे जाओ, ओरिजिन को समझो कि क्या है। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब आप मूवी देख रहे होते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको टाइम का पता नहीं चलता, पर जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से कंसंट्रेशन वीक होता है। अगर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती तो आप 3 घंटे लगातार मूवी नहीं देख सकते, ये मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। क्योंकि आप जब बैठ ही नहीं पा रहे हो तो अब इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या समझिए। मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हो और आपको एकदम रोड पे कोई आदमी पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, भीड़ लगी है, हो सकता है आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाओ या आप आगे निकल जाओ। एक पल के लिए मान लेते आगे निकल गए और थोड़ी दूर जाने पे आपको किसी ने चिल्लाया कि अरे भाई तेरा छोटा भाई है, क्या होगा आपका रिएक्शन, क्या होगा आपका रिएक्शन, होगा आप उल्टे लौटोगे, फटाक से उसको उठाओगे, हॉस्पिटल ले जाओगे। पहले और बाद में अंतर क्या हुआ, पहले आपका उस पर्सन से रिलेशन नहीं था, अब रिलेशन है। तो सब्जेक्ट से आपको रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। जब आपका कंसंट्रेशन पड़ेगा, आप क्रिएशन ही नहीं करते, आप उसको क्रिएट करो, अपने आप नहीं होगा कोई चीज। मैं वो बार बार बोल रहा हूँ ना, कोई चीज अपने आप नहीं होती, आपको सब्जेक्ट के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उससे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, उसे अपना बनाना पड़ेगा। जब आपका रिलेशन हो जाएगा अच्छा लगेगा। अब क्या होता है,
कई चीजें पढ़ के बोर लगती, पढ़ते जाओ फिर भी बोर लगे, एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो तीसरी बार देखना आपको मजा आने लगे। पर हम होता क्या 10-15 मिनट बाद खुद ही दिमाग को मजा नहीं आ रहा है यार छोड़ क्यों बैठे रहो, डिसाइड किया ना 2 घंटे पढ़ना, उसी सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ेंगे और कोई सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे मतलब नहीं उठाएंगे, पढ़ते रहो 2 घंटे तक, समझ में आ रहा है। पहले दिन बोर लगेगा, दूसरे दिन लगेगा, तीसरे दिन लगेगा, पर 2 घंटे में नहीं उठेंगे। और जब पढ़ने बैठेंगे मोबाइल फोन साथ में नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मोबाइल फोन नहीं रखना, वही कंसंट्रेशन आज सबसे बड़ा वीक करता है। साथ में रखा होता बीच में बच गया, मैसेज आ गया, टेंशन होती किस किस को फॉरवर्ड करे, किस किस ने भेजा, मतलब हम इतनी चिंता करते हैं दुनिया की। और अभी तो ये रिलायंस ने 4G दे दिया है, तो हम सोचते हैं 31 तक जितना हो सके लोगों को मैसेज कर दो, क्या याद रखेंगे लोग की सबसे ज्यादा, ये कॉम्पिटिशन है नहीं है ना। ये बताओ कंपनी जो फ्री स्किन देती है किसको टारगेट रख के देती है, ऑनेस्टली नहीं कस्टमर नहीं स्टूडेंट को, सबसे बड़ा टारगेट क्राउड उनका स्टूडेंट होता है, वही फोकट है, वही सभी को मैसेज कर रहा है। हाँ अच्छा आप बताओ व्हाट्सएप पे बहुत बड़े बड़े मैसेज आते हैं, आप में से कितने लोगों ने कभी कोई मैसेज टाइप किया जो फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं नॉर्मल नहीं किया कभी, आप 1 लाख लोगों से पूछ लो एक आधी लोग मिलेंगे। फिर कौन करता है ये मैसेज आपको पता है, आज सबसे ज्यादा कंपनी ये टेलीफोन कंपनी जो होती है मोबाइल कंपनी ऐसे एम्प्लॉइज को देती है जो करंट न्यूज को टाइप करके व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते, क्योंकि मैसेज फॉरवर्ड होंगे आपके पास आया आपने पढ़ा अच्छा लगा आपने फॉरवर्ड किया तो क्या यूज हो रहा है, डेटा यूज हो रहा है, कंपनी की कमाई हो रही है। हम टाइप नहीं कर रहे हैं, हम पागल ना बने उस दौड़ में, हाँ हम समझे इस बात को, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और आप अगले 15 दिन में इस बात को फील करेंगे। दूसरा पानी खूब पिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, अपने साथ पानी रखे पढ़ने बैठ जाए और डिसाइड करके बैठे 2 घंटे तक नहीं उठना, चाहे समझ में आए ना आए कुछ भी हो जाए, 6-7 दिन बाद आप लोग खुद कहोगे कि मेरी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मैं इतना पढ़ता हूँ मदर फादर ये कहने लगे कि भैया थोड़ी देर इंटरटेनमेंट भी कर लिया करो, ये की वर्ड अगर आपने अपने मदर फादर से सुन लिया तो आप पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाओगे, कि आपके मदर फादर ये बोले कि भैया बहुत पढ़ाई हो गई कभी कभी घूम फिर लिया भी करो, ऐसा की वर्ड सुनने के लिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको देना पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम है आपकी, कैसे वही तो मैंने बोला इन सबको तो बंद करना है, स्टॉप मतलब स्टॉप, जैसे आप कॉलेज में आके फोन नहीं उठाते हो ना, मैं तो कह रहा हूँ टाइम सेट कर लो आप, कोई भी 30 मिनट का टाइम सेट कर लो, जब फेसबुक व्हाट्सएप ये सब यूज करोगे वो टाइम वो होना चाहिए जब पढ़ाई करके ना उठो, क्योंकि पढ़ाई करके उठ के करा वो यूज तो पढ़ाई बेकार चली जाएगी। और दूसरा छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है, सब डिलीट कर दो, अपने सारे एप्लीकेशन डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज आप अपनी एक फेसबुक में इमेज डालो कि अब मैं 5 ईयर बाद अवेलेबल होने वाली हूँ फेसबुक खुद से। मैं हमेशा पता क्या बोलता हूँ, लोग बहुत अलग चीज बोलते हैं, मैं उल्टा बोलता हूँ, मुझे ये बनना है मैं तो उसको लिख के रखूंगा, हर आता जाता आदमी देखे मैं फेसबुक पे ये मैसेज लिखने की हिम्मत रखूंगा। इस हिम्मत का फायदा ये होगा कि जब आप खुद लिख दोगे कि मैं अगले 4 ईयर नहीं आने वाला और फिर अगले दिन आ गए तो आपकी बात की वैल्यू नहीं, आप लिखो ना, क्यों नहीं लिखते, क्यों डरते हो आप, पहले अपने आप से पूछो कि आप सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत कर रहे हो या फेलियर के लिए। 90% टाइम 90% स्टूडेंट फेलियर की तैयारी करते हैं, कैसे, दोस्त आया घूमने चले गए, मैसेज आया तुरंत रिप्लाई दे दिया है ना, पढ़ाई कर रहे हैं बीच में कोई आया उठ के चले गए, कभी ये नहीं करते कि हम पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त आ गया भैया अभी नहीं आ सकता 6 घंटे बाद ही उठूंगा, बुरा ही मानेगा ना वो, अगली बार आप जाओगे वो नहीं उठेगा भले ही नहीं पढ़ रहा, प्रॉब्लम खत्म ना। तो हम फेलियर की क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल के लिए प्रिपरेशन करें, हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। और आज की जनरेशन की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत हाई लेवल डिग्री की प्रॉब्लम है ये, फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल फोन ऐप और ये फ्री जो डेटा आजकल चालू हो गया ये, और पूरे फ्री बात करो, क्यों करो भैया फ्री बात है ना, तो बात समझ में आ रही। और क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट, हाँ देखिए ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अब क्योंकि हम लोग को हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं, कई सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट के होते हैं कई इंटरेस्ट के नहीं होते, ठीक है ना,
घर में अगर चार भाई बहन है तो एक बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी हमें उसे प्यार तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि वो हमारा अपना है। मैंने अभी बोला ना, ये मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सेशन कोई वो सेमिनार नहीं, कुछ नहीं, ये तो डिस्कशन है। और आप सबकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऐसे सेमिनार्स। अगर आप फाइनल में होते ना तो शायद मैं कहता कि आपके पास टाइम कम है, आप कुछ कर पाते कि नहीं। आपके पास 7 सेमेस्टर है, 7 सेमेस्टर बहुत होते हैं, 3.5 ईयर। आप पहला अटेम्प्ट दोगे आप निकल जाओगे। यूपीएससी की पढ़ाई में 4 साल लगते हैं, 4 साल जो पढ़ेगा वो निकालेगा। आप 4 साल कभी से भी गिन लो, उसने थर्ड ईयर से स्टार्ट की, 3 साल का ड्रॉप लगा, आपने फर्स्ट ईयर से की, आप बिना ड्रॉप के निकालोगे। कैट 3 ईयर लगते हैं, IIT 4 ईयर लगते हैं, ये रियलिस्टिक फैक्ट है। इतना टाइम दोगे तो ही निकलेगा। SSC 2 ईयर लगते हैं, MPPSC 2 ईयर लगते हैं, कब से दे रहा हूँ वो डिपेंड करता है। आप अभी से दोगे तो हो जाएगा। अब क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं, 4 अच्छे नहीं है, पर हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना कि 3 सब्जेक्ट में हम अच्छा कर दें और 1 में ना करें। तो आपको उसको अपना बनाना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वैसा ही है, सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा। और जो अच्छा नहीं लगता ना सब्जेक्ट, उसको ही ज्यादा पढ़ना है। आज से मेरी इस बात को आप फॉलो करो कि जो नहीं लगता अच्छा उसको ज्यादा पढ़ना, जो अच्छा लगता है उसे तो बाद में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें आपका परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाता है। 4 बजे ग्राउंड पे जाना आसान काम होता है, पर जो जाते हैं वो नाम कमाते हैं। अभी तक आपने पिछले टेस्ट मैच के पहले विराट कोहली का नाम सुना था, एकदम से अभी खत्म हो गया, किसका नाम आ गया? क्यों? 3 सेंचुरी ऐसी मार दी क्या? क्या पहला बस आया बल्ला पकड़ा मार दी क्या? ऐसा हुआ क्या? तो क्या हुआ? कई सालों की मेहनत का रिजल्ट था वो, उसने 25 सबसे कम उम्र में 3 सेंचुरी मारी, 3 टेस्ट में 3rd सेंचुरी मारने वाला वो पहला प्लेयर बन गया वर्ल्ड कप, है ना। पर वो कोई एकदम थोड़ी हुआ। तो कई चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, मैं समझो आप बात को क्या कहना चाहता हूँ, पर हमें उसको पकड़ना ही पड़ेगा। सुबह उठना नहीं लगता पर हमें उठना है। जैसे ठंड आती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मेरे बहुत सारे अलग अलग वो है लॉजिक। मैं रोज उठता हूँ 5:30 और क्लब पहुँचता हूँ 6:30। ठंड आती तो मैं 6 बजे पहुँचता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने इस टाइम ये किया तो मैं अपनी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा रहा हूँ। जब कोई काम उस समय नहीं कर सकता और वो हम कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं। वो बात समझो आपको, जब सारी दुनिया सो रही है और जब हम कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब हम उससे आगे निकल रहे हैं ना। तो कई चीजें हमें अच्छी लगती है नहीं लगती उससे नहीं, हमें वो गोल दिखना चाहिए, हमें पाना क्या है, हमें वो मेडल दिखना चाहिए। वो प्लेयर जिसने 3 सेंचुरी मारी वो एकदम थोड़ी आया है ना। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सुनील गावस्कर का बेटा आज तक वर्ल्ड लेवल का प्लेयर नहीं बन पाया, इतना नाम होने के बाद भी, और ऐसे प्लेयर भी बन जाते हैं। अगर आप मेहनती हो तो आप सक्सेसफुल होगे, चाहे लाइफ कितना भी करप्शन क्यों ना, कितना भी करप्शन क्यों ना, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट को क्रिएट करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 2 मत पढ़ो या इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट ले लो, इस तरह का ऑप्शन अभी नहीं है। आगे हो जाए तो पता नहीं, उसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, उसका बैक जाना पड़ेगा, उसका ओरिजिन पे जाना पड़ेगा कि यार ये क्यों मना है, इसका एप्लीकेशन क्या, वो सोचना पड़ेगा। एप्लीकेशन सोचोगे तो टॉपिक पढ़ने में मजा आने लगेगा। हम एप्लीकेशन नहीं सोचते ना, ये प्रॉब्लम। इसमें 60 नंबर कैसे लाए ये सोचते हैं, 50 नंबर कैसे लाए दिमाग में, ये क्वेश्चन चल रहा होता है, क्यों चल रहा होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो आपको अभी 7 सेमेस्टर तक तो पता नहीं कितने सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होगी पढ़ने की, रो पीट के निकालोगे आप। पर रो पीट के निकालने से अच्छा है कि खुश होके निकालो, क्योंकि खुशी के साथ निकालोगे तो परफॉर्मेंस ज्यादा आएगी। एक पेपर देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे, मान लो 10 क्वेश्चन का पेपर है, आपके दिमाग में पहला थॉट आया कि 4 क्वेश्चन नहीं बनते और दूसरा थॉट किसी का आया 6 बनते हैं, तो पता क्या अंतर होगा? जिसके दिमाग में पहला थॉट आएगा 4 नहीं बनते वो 5 करके निकलेगा, जिसके दिमाग में आया 6 बनते हैं वो 7 करके निकलेगा। क्यों? क्योंकि 6 बनते हैं पॉजिटिव है, पहले 6 करते हैं बाद में सोचेंगे 4 के बारे में, कहीं ना कहीं से कुछ तो याद आ ही जाएगा, है ना। पर जब 4 नहीं बनते तो पहले निगेटिविटी आ गया, अरे यार 4 का क्या होगा, क्या होगा मेरा तो पता नहीं, इस साल निकलेगा कि नहीं, भगवान कुछ बचा लेना, अगले साल से बहुत पढ़ूंगा। पेपर में अपन सबसे ज्यादा कष्ट में क्या खाते हैं, अब इस साल को मैंने खराब कर दिया, अब जीवन में कभी नहीं करूंगा, 2017 के बाद तो लाइफ में मुड़ के ही नहीं देखूंगा, है ना। ऐसा बहुत सारी अब कष्ट में खाने वाले 31 को क्या क्या खाने वाले
कि 2017 के बाद मुझे अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अचीव ही अचीव करना है, बहुत समय खराब कर लिया लाइफ का, सब फालतू की बात है। हर दिन इम्पोर्टेंट है, जो काम करना है कल से करना, मंडे से नहीं करना है, जनवरी से नहीं करना, दिवाली के बाद से नहीं करना। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है मेरा, जो करना है वो अभी से करना, नहीं तो नहीं करना। ठंड का टाइम है, सबसे अच्छी पढ़ाई इसी समय होती है और सबसे अच्छी नींद भी इसी समय आती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ज्यादा प्यारा क्या है, वो गोल्ड मेडल। देखो मैं गोल्ड मेडल ही बोलूंगा, हर एक टाइम अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप यही करो, जो बनना चाहते हो। इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, किसी एक को पकड़ो बस, पर पकड़ो एक को, चार को नहीं। चार को पकड़ोगे चारों में फेल हो जाओगे, एक को पकड़ोगे वो मिल जाएगी, और जब तक नहीं मिलेगी मेहनत करनी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, एक समय की गई मेहनत पूरे जीवन काम आती है। आप सोच के देखो, ये पूरा आप इस कॉलेज में जब आते हो, ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, कभी तो ये प्लॉट खाली होगा, होगा। जीवन में सबसे पहली चीज, कोई भी चीज जो बनती है नेचुरल चीजों को छोड़ के, वो कहाँ बनती है? ब्रेन में बनती है, और जिसके ब्रेन में बनती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा कमाता है। आप बताइए, जिस मजदूर ने यहाँ ये बिल्डिंग बनाई उसने कमाया या आर्किटेक्ट ने? जबकि उसने तो एक भी ईंट नहीं उठाई, एक सिंगल भी ईंट नहीं उठाई होगी, पर कमाई तो सबसे ज्यादा उसी की जो उठा रहा है उसकी, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की। सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं ना, पर सबसे कम कमाते हैं, क्योंकि मेहनत का नहीं, आदमी दिमाग की खाता है, ब्रेन की खाता है। और आर्किटेक्ट ने इसलिए खाई क्योंकि उसने उस समय मेहनत की जब करने का समय था। मजदूर आज नहीं कर पाया जो भी रीजन है, पर उस समय मेहनत नहीं की जब करनी चाहिए। आज आप मेहनत नहीं करोगे तो नुकसान आपके बच्चों को होने वाला है। आप अपने बच्चों को रोज लेक्चर दोगे कि बेटा पढ़ लो, हम नहीं कर पाए, तुम तो कर लो कम से कम, परेशान हो जाएंगे वो, कुछ नहीं करने वाले। आप जो कर सकते हो वो आप करो, बच्चे जो करने वाले कर लेंगे आप। आप अच्छा बन जाओगे तो सब कर लेंगे। मेरी लाइफ में मैंने, आप कभी मेरी फेसबुक पे आना या रिक्वेस्ट भेजना, मैं आपको एक बार ऐड करूंगा, उसको देख के चलाना। जब मैं क्लास 12th में था, मेरा इंजीनियरिंग में हुआ नहीं जा पाया फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, हम सात भाई बहन थे, और जितना ये स्टेज वाली जगह ना इतने बड़े घर में रहे। और 9th-10th क्लास में मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब करता था। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, अगर मैंने ये जॉब कंटिन्यू करा तो मैं अपने साथ साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर लूंगा, है ना। अपन कई बार बोलते हैं ना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या ये है वो है। मुझे समझ में आ गई थी, मैंने 12th से पढ़ाना चालू किया। पापा का रिटायरमेंट जब मैं क्लास 10th में था, मेरे घर में बोला था 4 साल बाद होगा, मैंने 2 साल बाद घर से रुपए लेना बंद कर दिए थे, आज तक नहीं। लाइफ के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं, कि क्या करना है क्या बनना है, वही एक क्लियरिटी नहीं होती और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतने वीक से वीक स्टूडेंट को पढ़ा, इसलिए जब आप बोला ना कि हम आईटी, आप में और आईटीएस में कोई डिफरेंस नहीं है, सबसे पहले तो दिमाग में रख लो, बल्कि आप उनसे ज्यादा अच्छे हो, पर आपने उस समय मेहनत नहीं की जब करना चाहिए थी, बस। इसके अलावा और कोई भी कोई बेसिक डिफरेंस नहीं, 0.01% का भी डिफरेंस नहीं है। मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बात बोल रहा हूँ। आज आप मेहनत करोगे तो आज से 4 ईयर बाद जब आप फाइनल करोगे तो ऑब्वियसली पीजी के लिए कुछ ना कुछ एग्जाम दोगे। अगर आप आज से मेहनत करोगे तो सिलेक्ट होगे, अगर आप 7 सेमेस्टर से करोगे आप नहीं होने वाले, लिख के ले लो। मैं बुरा बोल रहा हूँ पर बिल्कुल रियलिस्टिक बोल रहा हूँ, आप नहीं हो सकते सिलेक्ट। 6 महीने में कोई कैट निकाल ही नहीं सकता, यूपीएससी निकाल ही नहीं सकता, अनलेस एंड अंटिल कि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, और बैकग्राउंड मतलब वही पीछे से मेहनत। समझ में आ रहा है बात? तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, फोकस आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप आज जाने के बाद एक काम जरूर करना है आपको, क्या? अपने एम कॉपी पे लिखने हैं, वो लिखना ही है। मेरा नंबर नोट कर लो, मुझे आप व्हाट्सएप करोगे नाम के साथ इमेज, कितने स्टूडेंट है मेरे को काउंट है, लिख लो नंबर। और ये तो ऐसा नंबर है आपके कभी भी काम आ सकता है, 9425 9425 00 5319, ठीक है। अब आपको ये दिक्कत ना हो कि ये नंबर कहाँ लिखा था, ये याद रखना मुश्किल हो जाए। अच्छा बताइए, आप लोगों ने मोबाइल फोन पे, आज मोबाइल फोन ने हमारी क्या करी है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ मोबाइल से बताओ? मेमोरी वीक कर दी, क्योंकि हम हर चीज सेफ को ढूंढते हैं। जैसे मुझे आज भी कम से कम 100 लोगों के नंबर याद होंगे, क्योंकि मैं हर बार डायल कर लेता हूँ। आप 4 बार नंबर डायल करोगे, 5th टाइम अपने आप याद हो जाएगा,
पर क्योंकि हम सेव कर लेते हैं, जैसे ये नंबर एक्चुअल में आपने लिख तो लिया कॉपी में, पर ये कहाँ स्टोर करना चाहिए था? ब्रेन में, है ना? तो अभी नहीं, बाद में कर लेना, काम आ जाएगा। हाँ, और कोई प्रॉब्लम आपकी? और कोई प्रॉब्लम जो आपके एम को आपको पीछे कर रही है? नींद बहुत आती है। कितने घंटे सोते हो? एक्सरसाइज करते हो कुछ? नींद की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है। आप लोग अपनी लाइफ में एक काम जरूर करिए, कम से कम 30 मिनट, चाहे कितने भी बिजी हो। अनिल अंबानी बहुत बिजी है पता आपको, फिर भी रोज 20 किलोमीटर के आसपास दौड़ता है। 20 किलोमीटर की रनिंग क्या होती है सोच के देखिए। हाफ मैराथन बोलते हैं उसको, हाफ मैराथन की रोज उसकी रनिंग है। आप लोग अपनी लाइफ में हर स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा, एक सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, एटलीस्ट 30 मिनट योग, रनिंग, एनी स्पोर्ट, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे ये करने लगोगे आपकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी एक टाइम पर आधा घंटा, ठीक है, ज्यादा नहीं। नींद जब आती है तो पानी पिया करो, चाय नहीं पीनी और कम खाना है। ज्यादा खाने से भी नींद बहुत आती है, ज्यादा खाने से भी नींद आती है, ज्यादा तो नहीं खा सकते। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, नींद नहीं आएगी। देखो ये कुछ ऐसी चीजें, आपने प्रॉब्लम भी बोली, सॉल्यूशन भी आपके पास है। आपको क्या होगा, कुछ दिन तक अपने आपको कमिटमेंट के साथ जगाना पड़ेगा, फिर आपके पास आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि नींद का रिलेशन हमारे ब्रेन से, जैसे आप बार बार बोलोगे नींद आती तो आएगी। आप इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दो, एक चीज डिसाइड कर लो, मुझे 6 आवर सोना है, ठीक है? अब 6 आवर अगर रात को 5 घंटे तो 1 घंटे दिन में आपको टाइम मिलता ही नहीं होगा। दिन में कभी सोते हो आप लोग? हाँ, तो बस रात को सोना है 12 से 6, बहुत किस्मत चाहे तो आप। बाकी पढ़ाई करते समय नींद इसलिए आती है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट कम होता है, मूवी देखते हो कहाँ आती नहीं, खेलते समय नहीं आती ना। अच्छा आप बताइए, आप अगर कोई गेम खेलते हो आप, कौन सा? 4 घंटे खिलाऊं तो नींद आ जाएगी बीच में? क्यों? इंटरेस्ट है उसमें, इंटरेस्ट, सारा खेल इंटरेस्ट का है, मैं बताऊं, है ना? जैसे मेरे लिए बोला जाता है, मैं किसी से भी बात नहीं करता, आपको बताऊं, किसी से भी। मेरे रिलेटिव आ जाए, मैं 2 घंटे चुप, मतलब मुझे आप बिठा दो 10 लोगों के बीच में, 10 घंटे भी चुप रह सकते। पर अभी तो मैं बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि कहाँ कब क्या करना है वो डिसाइड है ना। कुछ पूछना चाह रहा तो नींद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए, वो आपको ही उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। और थोड़ा सा एक्सरसाइज तो जरूर करो, एक्सरसाइज करो, खूब पानी पियो, खुश रहो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, निगेटिव बातें सोचना छोड़ो, तो नींद अपने आप खुली रहेगी। और कोई हो गए डाउट्स खत्म, आपकी प्रॉब्लम खत्म? सर ये क्लास आपकी ऐसी है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में बोला, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको जल्दी नहीं तो भैया जल्दी क्यों सोना है? एक मिनट जल्दी क्यों सोना है? मन लगता है तुम तो देखो, इसका एक तो में क्या है कि हर एक की अपनी प्रॉब्लम है। आपके पास तो कितना अच्छा सोल्यूशन, नींद नहीं आती तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करते ही नींद आ जाएगी। अरे देखिए एक सुनिए, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर नींद किसी को नहीं आ रही तो स्टूडेंट की नींद तो सबसे अच्छी, पढ़ाई जैसे करने बैठ तो नींद आ जाती है ना। मोबाइल, आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर हो जाओ, आपको नींद आने लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर हो जाओ मतलब समझ गया होगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उनसे दूर हो जाओ, नींद भी आएगी पर नींद लाना नहीं है। अच्छा है कि आपको नींद नहीं आती, देर तक पढ़ाई करो। आपका क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ कुछ तो सोचा होगा। अरे आप इन सब को छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, ओके, तो वो तो बहुत आसान है। देखिए एक बात समझिए, अरे बात नहीं, देखिए आप एक चीज समझिएगा, लग्जरी बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने, लग्जरियस लाइफ जीने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, जैसे मान लो आपको बहुत अच्छी कार में घूमना है, सबसे लग्जरियस, सबसे अच्छी, तो 2 तरीके, या तो आप उसके मालिक हो या उसके ड्राइवर, राइट? आपको बहुत अच्छे घर में रहना है
या तो आप उसके ऑनर हो या उसमें सर्वेंट हो। अब एक बात समझना, जो ड्राइवर होता है वो कार के ज्यादा मजे लेता है, है ना, जो कि ऑनर तो बैठ के गया उतर के अपना काम कर रहा है। जो अच्छे अच्छे घरों को बनाता है बहुत अच्छा, वो उसमें कितना टाइम रहता रहते, तो सर्वेंट है, सर्वेंट के लिए बनाता है वो घर, है ना। पर क्या आप सही में ये बनना चाहते हो, पहले ये सोचना पड़ेगा, नहीं ना। आपकी अपनी कार होना चाहिए, ऑन कार। लग्जरियस लाइफ कैसे आएगी, अपने आप तो आ ही नहीं सकती, तो बिना मेहनत के तो कभी भी कुछ नहीं आ सकता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए एक चीज समझिए आप, मान लीजिए मैं आपको 2 लाख रुपए दूं, ये एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा लाइफ में, 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 एक राम भरोसे बैंक है जो आपको बोल रहा है 2 ईयर में डबल कर देंगे। एक प्राइवेट बैंक है फॉर एग्जाम्पल ICICI जो बोलता है 5 ईयर में डबल करेंगे, और एक बोलता है SBI जो 7 ईयर में करेंगे। ऑनेस्टली बताइए आप कहाँ रखना पसंद करेंगे? SBI में ना, क्यों? ट्रस्ट है उस पे आपको, आपको पता है कि पैसा टाइम तो लेगा पर डूबेगा नहीं, भले राम भरोसे 2 साल में दे रहा है पर वो डूब भी सकता है। आप सोचिए 2 लाख रुपए के लिए आप इतना थॉट लगाते हैं और आप उसको 7 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और आप अपना करियर को इन्वेस्ट करने के लिए क्या सोचते हैं? ये करियर का इन्वेस्टमेंट है। आप अपने आप को एक एज अ प्रोडक्ट डेवलप करो, आप जहां से निकलोगे वैसा आपकी कीमत होगी, ऐसे वैसे वैल्यू होगी। तो रुपए तो फिर भी कमा सकते हो पर करियर बार बार नहीं बनता, ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपने बोला SBI, बिल्कुल वैसे ही मैं बोलूंगा, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है तो वैसे ही अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। बिना इन्वेस्टमेंट के राम भरोसे ही लाइफ चलेगी। जीवन में जो आया है उस पर कोई भूखा नहीं मरता, जिनके दोनों हाथ दोनों पैर दोनों आंखें नहीं होती वो भी नहीं मरते, मंदिर के बाहर बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। कई लोग आपको नेगेटिव गाइडेंस देंगे, अरे तुम कुछ मत करो, दौड़ना अच्छे से आना चाहिए, अपन बस दौड़ लेते हैं तो अपन सब कुछ कर लेंगे, तुम चलो नए जूते दिलवाऊंगा मंदिर के बाहर, तुम चलो नए कपड़े दिलवाऊंगा शॉपिंग मॉल के बाहर, बस दौड़ लेना अच्छे से। तो बात समझ में आ रही, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं मिलता, और इन्वेस्टमेंट जितना लॉन्ग टर्म होगा रिजल्ट भी उतने ही अच्छे होंगे। करोड़ों का आपका जीवन है, करोड़ों का करियर है, एक बार समय रहते हुए करो। इतना मतलब मुझे बहुत मजा आता है जब फर्स्ट ईयर 9th-10th क्लास के बच्चों के बीच में होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके सबके पास सफिशियंट टाइम, आप ये नहीं बोल सकते टाइम नहीं बचा है ना, पर आप खुद ही अगर टाइम रोज वेस्ट करो तो फिर कोई कुछ नहीं करता। आज से 3 साल बाद आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सेमिनार याद आएगा, सेव कर लेते तो अच्छा होता, और कुछ लोगों को इसलिए याद आएगा कि यार सर की बात से देखो आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं पेपर निकाल सकता हूँ। आप UPSC कैसे पहले अटेम्प्ट में क्लियर करोगे? पहले तो आपको उसके पेपर के पैटर्न पे जाना पड़ेगा, लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को स्टडी करनी होगी, उस पैटर्न को कैच करना होगा कि क्या पूछा जाता है, और अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको पढ़ाई करनी होगी। कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व करो, कोई भी एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो पहले लास्ट 5 ईयर के पेपर निकालो, राइट। कहाँ से निकालेंगे? मोबाइल यूज करते हैं, गूगल से निकाल लो। अकॉर्डिंग टू पेपर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने आप को तैयार करो, अपने एम को फोकस करो और पढ़ना चालू करो, राइट। ये सेशन तो कितना भी लंबा चल सकता है पर मुझे लगता है काफी है आप लोगों के लिए। अब आपको अगर कुछ डाउट पूछना है तो जरूर पूछ सकता है। बात नहीं क्या होता है मेरे साथ, मेरे साथ क्या होता है कि कभी कभी मैं मतलब इमेजिन करने लगता हूँ कि यार ये चीज मिल गई है मुझे और ये चीज है, तो मैं उन चीजों को एफर्ट डालने की बजाय और करने की बजाय मैं उन चीजों को खो जाता हूँ। और कोई क्या नहीं उसकी, नहीं आप अपने मुझसे बोलो प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम आपकी हो ही नहीं सकती, आप तो अपने शब्दों में बोलो मैं फिर समझूंगा। और कोई? हाँ कितने बजे? कोई बात नहीं जल्दी तो जाओ। नहीं मेरा पढ़ाई का तरीका क्या था, मैं 2 तरीके से पढ़ता था। अगर लेट नाइट पढ़ाई करता तो उसका एक सिंपल सिंगल फॉर्मूला, 7 बजे पढ़ने बैठो रात के 12 बजे उठ जाओ। 7 से 12 कितना? 5। अक्सर लेट नाइट पढ़ने वाले लोग 10-10:30 तक तो बैठते नहीं पढ़ने, पहले टीवी देख लो, लेट नाइट स्टडी करेंगे, 9-10 बजे तक टाइम खराब करना, 10 बजे बैठे, 1 घंटे तक नींद आने लगी, मजबूत किसी तरह अपने आप को जगाया, फिर 12-12:30 बजे फिर आई, फिर जगाया, फिर 2 बज गए, पढ़ाई 3 घंटे भी नहीं हुई और रात के 2 बजा दी, क्यों नींद खराब कर रहे हो?
फॉर्मूला बता रहा हूँ, 7 से 12 पढ़ो या 8 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ, 8 से 4 कितने, बल्कि 2 बजे भी उठ सकते हो। मैं इन दो में से कोई एक ऑर्डर फॉलो करता था कि या तो जल्दी सो जाओ 7-8 बजे, मान लो आपके घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही रात, आप तो 7, 7:30, 8 बजे सो जाओ और 3 बजे उठ के बैठो पढ़ने और 7 बजे तक पढ़ाई करो। वो सुबह की जो 4 घंटे की पढ़ाई आपकी 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर होगी। तो आप जल्दी सो ना, आप 10 बजे क्यों सोते हो, आप 8 बजे सो, 7 बजे सो, तब फोन वोन बंद करो सो जाओ। दो और कितना भी कुछ कर लो, 7 बजे सोया हुआ आदमी अगले दिन सुबह 8 बजे तो नहीं उठ सकता। इतना कोई मतलब कुंभकर्ण नहीं है यहाँ पर। तो 7 बजे वाला आदमी सोया हुआ अपने आप 2-3 बजे नींद खुलेगी, बस जैसे ही खुले उठ के पढ़ने बैठ जाओ। सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ सकते आप, 5 बजे तो मौसम अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। 2 बजे उठ के पढ़ने बैठो, 7 बजे तक बिल्कुल पढ़ाई करो, एक आवाज नहीं आएगी आपको कहीं से, सबसे अच्छा तरीका। और नींद ले चुके होगे तो फ्रेश रहोगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि आप जब इस दिन आ रहे हो तो थोड़ा आलस आएगा, तो कार में वो जो बस में आते हो आग बंद करके आओ ना। मैं 5-5 मिनट की नींद लेता हूँ, लोगों को आश्चर्य होता है मैं 5 मिनट में फ्रेश हो जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, बॉडी को फ्री छोड़ता हूँ, 5 मिनट बाद फ्रेश। आप बस में आते हो, आप आंखें बंद कर लो, कोई रोक रहा है आपको आंखें बंद करने के लिए? क्या जरूरी दोस्तों से गप्पे मारो, नहीं है ना जरूरत, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो आप लोग सब करा करो कि जब आप यहाँ आते हो कॉलेज, अगर अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हो, बस से आ रहे हो, तो बिल्कुल आधे घंटे आग बंद करके ही आओ। जाते समय भी आधे घंटे आग बंद करो, एकदम उठोगे तो फ्रेश मिलोगे। ये तो बिल्कुल करना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, इसको चेंज मत करना। और जल्दी नींद आती तो मैं बोलता हूँ और जल्दी सो, देर से नींद आती और देर से सो, आपको जल्दी देर से आती, आप 2 बजे तक पढ़ाई करो, पर 7 बजे पढ़ने बैठोगे, 11 बजे पढ़ने नहीं बैठोगे। टाइमिंग थोड़े अपने आप को चेंज करो, आप थोड़ा सा भैया मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर की फोटोग्राफ लगाओ, थोड़ी सी पढ़ाई से नहीं होंगे, और उस लेवल तक जाना रहेगा जब तक कलेक्टर नहीं बन जाओगे। तो ऐसे थॉट आने नहीं कि अभी मिला क्या आपको, ये जो 3 सेंचुरी मारी अगर अगले 4 मैच में नहीं खेला तो क्या होगा इसका, खत्म खत्म ना। तो भाई अपने को एक दिन थोड़ी पढ़ाई करनी, हर दिन टेस्ट, तो यूपीएससी की तैयारी करो ना आप, या कैट की जिसकी भी, उसके छोटे छोटे पेपर के रोज टेस्ट दो, रोज अपना असेसमेंट करो। नेगेटिव थॉट से कैसे दूर रखें? नेगेटिव थॉट से दूर, आपके नेगेटिव थॉट आते ही कैसे, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएंगे नहीं। मुझे कोई नेगेटिव थॉट ला ही नहीं पाया आज तक मेरी लाइफ, मैं बोलता हूँ नेगेटिव कुछ होता ही नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं होता। आप क्यों सोच रहे हो मेरा नेगेटिव यही ना, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा नहीं होगा क्या होगा, नहीं मेरा तो होगा, मेरा तो होगा, नहीं होगा तो जब होगा, जब आप आखिरी 6 महीने पढ़ाई करोगे। मैं आज से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास 4 साल का समय, मेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। हर रोज ये बोलो, हर रोज के स्टेटमेंट अपने पेश करो जो पढ़ते हो, आएंगे ही नहीं नेगेटिव थॉट। और कुछ पूछना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच शरद सर, मैंने ये लेक्चर स्टार्ट होने के पहले ही बोला था कि जब शरद सर बोलना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे भी साइलेंट हो जाएंगे, और वही हुआ था ना, बहुत ही मोटिवेशनल लेक्चर। और सब कुछ आपके अंदर है, सर ने आपको वही चीज बताई कि सब कुछ आपके अंदर है, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको सक्सेस कैसे मिलती है। अगर आपको एक लाइन दी जाती है कि इसको बड़ा करना है विदाउट टचिंग, तो आपको नेगेटिव थॉट्स को वो लाइन समझ के करना है, और दूसरी एक लाइन खींचनी है पॉजिटिविटी की, जिससे कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाए। नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, छोटी लाइन को छोड़ के दूसरी बड़ी लाइन खींच दीजिए कि आपको पॉजिटिव होना है। ये शरद सर के पूरे लेक्चर का एक तरह से समरी थी, और बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने आपको मोटिवेट किया है। और अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं निकलता है तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आज के लेक्चर का फायदा हमको होना चाहिए।